हाइपर पिगमेंटेड स्किन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, जैसे कि एडिसन्स डिजीज़, नेल्सन्स डिजीज़, या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर, या फिर कोई वाइटामिन की डिफिशेंसी जैसे कि फॉलिक एसिड या वाइटामिन B12 की डिफिशेंसी, या फिर ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, उसके कारण भी हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो सकती है, या फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बाद आपको हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो सकती है। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, पर इसका एक कॉमन मैकेनिज्म है कि कोई भी कारण हो आपकी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि आपकी बॉडी में मेलेनिन सिंथेसिस को ज़्यादा प्रमोट करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा बनने लगता है, तो ये कॉमन मैकेनिज्म है। तो हाइपर पिगमेंटेशन को हम कैसे रोक सकते हैं और इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ मल्टी वाइटामिन्स और हाइड्रोक्विनोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले क्रीम देते हैं, या फिर पीलिंग आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, पर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है लॉन्ग टर्म, और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए हाइपर पिगमेंटेशन से डील करने का? सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने डाइट पर। ये आपका 70% ट्रीटमेंट आपका यहीं पर हो जाता है, डाइट। डाइट में आपको सबसे पहले जो भी प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं उनको हटाना है अपने डाइट से, प्रो इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जैसे कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये सब प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, तो इनको आपको हटाना है, कम्प्लीट अवॉइडेंस। दूसरा है ऐड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और मेलानिन सिंथेसिस डिक्रीज होगा, तो ये आपको हाइपर पिगमेंटेशन में फ़ायदा करेगा। ऐड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, पोमेग्रेनेट, बीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं जिससे आपको हाइपर पिगमेंटेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद है कुछ इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे कि वाइटामिन सी। वाइटामिन सी ये क्या करता है कि आपके बॉडी में टायरोसिनेज नामक एंजाइम को काम करने से रोकता है, जिससे मेलानिन सिंथेसिस नहीं होता है, तो हाइपर पिगमेंटेशन स्किन में आपको फ़ायदा होता है। तो वाइटामिन सी को ऐड करना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि होल फूड बेस्ड सप्लीमेंट हो वाइटामिन सी का, और 1000 mg पर डे। उसके बाद आप अदर सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, कॉपर, वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, ये सब सप्लीमेंट भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अगर आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्रूट हो, तो आपकी जितनी भी वाइटामिन्स की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। पर चूंकि आपको हाइपर पिगमेंटेशन स्किन से छुटकारा पाना है, तो आपको एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन टैबलेट अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रेस मिनरल्स प्रोवाइड करेगा और इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया डाइट। दूसरा है सनस्क्रीन। ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि
सनस्क्रीन के कारण आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं यूवी रेडिएशन से। और जब भी आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए जो कि यूवीए और यूवीबी रेज दोनों से आपको बचाए। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। फिर तीसरा है इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस, क्योंकि जैसा स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो मेलानिन सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, आप योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन और सबसे ज़रूरी है स्लीप, डीप स्लीप एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 hours इज़ कंपल्सरी। तो ये आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कम करने में आपको मदद करेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा इम्पॉर्टेंट टिप है, कुछ टॉपिकल एजेंट आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कोई भी हाइड्रोक्विनोन बेस्ड या फिर कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उन टॉपिकल क्रीम के बारे में टॉपिकल एजेंट के बारे में बताऊंगा जो सेफ़ हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम होते हैं। टॉपिकल में आप सबसे ज़रूरी आप टर्मरिक को ज़रूर ट्राई करें, टर्मरिक एज अ फेस वॉश और टर्मरिक एज क्रीम। दूसरा है इम्पॉर्टेंट मलबेरी एक्सट्रैक्ट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने में मदद करेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट हाइपर पिगमेंटिंग एजेंट है विटामिन सी सीरम, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हाइपर पिगमेंटेशन में घटाने में। और कुछ फेस वॉश होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश, कॉजिक एसिड फेस वॉश, आरब्यूटीन फेस वॉश, तो इन सब फेस वॉश को आप ट्राई कर सकते हैं। फिर पांचवा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हाईली इफ़ेक्टिव तरीका और ये है फास्टिंग। और ये आपको कोई बहुत जल्दी जल्दी कुछ रिज़ल्ट नहीं देगा, ये उन लोगों के लिए है जो पेशेंस रखते हैं और जो एक होलिस्टिक अप्रोच जिनका है हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए, उनके लिए है फास्टिंग। फास्टिंग से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत कम होता है। फास्टिंग क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके ये मेलानिन सिंथेसिस के ओवर प्रोडक्शन को कम करता है। और फास्टिंग से आपकी बॉडी में ऑटोफेजी होती है और ऑटोफेजी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है और जो भी अनवांटेड डेड सेल्स हैं डेब्रीज हैं उनसे निजात पाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट हाईली इफेक्टिव हाईली सेफ तरीका है हाइपर पिगमेंटेशन से निजात पाने का फास्टिंग, पर यह आपको क्विक रिजल्ट नहीं देगा, आपको पेशेंस रखने की इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद।